अब मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, ऑटो लेके ऑटो चलवा रहा हूँ। न जनता से मतलब है न लोगों से, मतलब सिफारिश लगती है उनकी नियुक्ति होती है। ना तो व्यापार है एक पैसे का, बस बैठना है। अब 2 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए की दुकान तो गरीब आदमी लेगा नहीं सर। जो कुछ भी किया तो कुछ अच्छा किया, हम लोग करोड़पति तो है नहीं कि हम लोगों के पास 2 नंबर का पैसा आ रहा है। आज हम लोगों को कचरे में फेंका जा रहा है। विधायक जी ने बहुत गलत कर दिया हम लोग के साथ। गरीबों को सताने के सिवा कुछ भी नहीं किया गया। जनता जब भी गई है तो पीछे के दरवाजे से निकले हैं। लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करता है, पैसा इन लोगों ने खाया है। 10 नंबर ही है जनता, इस बार उनको 2023 में सबक सिखा देगी। जनता में ही उससे कोई मतलब नहीं है। राजेंद्र शुक्ला ने एक स्कूल तक नहीं बनवाई है, चाकर के चुप पूरा है। सौर ऊर्जा में रोजगार नहीं मिला लोगों को। रीवा का मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने का काम किया। नमस्कार, विराट 24 न्यूज देख रहे हैं, पर मैं आपके साथ शुभम यादव। ज्यादातर लोग ओहदों से प्रसन्न हो जाते हैं। राजनीति के बिसात में कुछ ही लोगों को, या यूं कहें कि कुछ ही नेताओं को सत्ता समझ में आती है। अब आइए नापते हैं जनता के परफॉर्मेंस पैरामीटर में विंध्य के शासन और प्रशासन के काम को। ले चलते हैं रीवा जिले की रीवा विधानसभा क्षेत्र में, जहां तमाम विधायकों के द्वारा किए गए वादों को देखते हैं और क्या हाल है ये समझते हैं। कौन से किए थे वादे और किस तरह से 4 साल में उतरे हैं खरे, कितनी भरी अपनी तिजोरी और सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार देने का लालच देकर जनता से मांगा था वोट, और 4 साल बीतने के बाद क्या हैं हालात, किसका हुआ कितना विकास, जो जनता चुनाव के समय जनार्दन लगती थी अब कैसे हैं, बेबस हैं या हैं खुशहाल, इस बारे में हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। रीवा विधानसभा से राजेंद्र शुक्ला 4 बार से विधायक हैं, जो 3 पंचवर्षीय मध्यप्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। प्रतिनिधियों को जनता ने वोट देकर जनप्रतिनिधि बनाया, पर जनता को क्या मिला, जनता और विपक्ष के क्या हैं आरोप, पहले आपको सुनाते हैं। आरोप नंबर 1, चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले विधायक राजेंद्र शुक्ला गरीबों की नहीं सुनते, सिर्फ चंद वर्ग के व्यापारियों और पूंजीपतियों की इनके दरबार में सुनवाई होती है। ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों की पदस्थापना अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाई, जो इनके इशारे पर नाचते रहे और आम जनता का शोषण लगातार करते रहे। कुल मिलाकर कठपुतली बनकर जो अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं वही टिक पाते हैं। आरोप नंबर 2, विधायक राजेंद्र शुक्ला विकास के नाम पर सिर्फ कंक्रीट, सीमेंट और टोल नाके का काम करते हैं, जिसका फायदा ठेकेदारों और इनके चहेते अधिकारियों को होता है। उस ठेकेदारी में विधायक भी संलिप्त रहते हैं। आरोप नंबर 3,
विधायक राजन शुक्ला पर आरोप लगा कि ठेकेदार बिल्डरों को लाभ देने के लिए किसी को भी कुचलना पड़ा तो निर्दयता से कुचल दिया जाएगा, चाहे वो अतिक्रमण के नाम पर हो या विकास के नाम पर हो। विधानसभा के लोगों ने आरोप लगाया कि राजन शुक्ला बड़े खामोशी के साथ विरोधियों का शिकार करते हैं। आरोप नंबर 4, विधायक राजन शुक्ला पर यह भी आरोप है कि शहर के चारों तरफ जहां इनकी इनसे जुड़े लोगों की जमीनें थी, रिंग रोड और सड़क का निर्माण कराया, उसके लिए गरीबों को उजाड़ने में कतई संकोच नहीं किया। अपनी पत्नी सुनीता शुक्ला के नाम पर लिए गए टोल नाके को लाभ देने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए गए और जनता की एक एक वोट का हिसाब उन्हें उजाड़ कर दिया गया। आरोप नंबर 5, रीवा से चुराटा सड़क निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। 20 सालों से इस रोड को इनके चहेते ठेकेदार बनाते रहे और दुधारू गाय की तरह दूहते रहे। नगर निगम की बेश कीमती जमीनों को कौड़ियों के दाम बिल्डर को दिया गया। विधायक राजेश शुक्ला पर आरोप यह भी है कि बिल्डर के कारोबार में इनकी हिस्सेदारी है, जिसके लिए PPP योजना के नाम पर शहर की बेश कीमती जमीनों को लगातार हथियाया जा रहा है। आरोप नंबर 6, विधायक राजन शुक्ला 3 पंचवर्षीय मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन बेरोजगारों के लिए ना तो कोई काम किया। आज भी पढ़े लिखे लोग चाय पान की दुकान चलाकर, ऑटो चलाकर अपना रोजगार चला रहे हैं। दूसरे जिलों, दूसरे विधानसभा के लोग निर्माण कार्यों में काम करते हैं। विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया है। आरोप नंबर 7, विधायक राजन शुक्ला स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार देने की बात कहकर 4 पंचवर्षीय से लगातार जनता से वोट लेते रहे, लेकिन सिर्फ कंक्रीट सीमेंट का काम किया, जो कि उनका पुश्तैनी कारोबार है, जिसके चलते छोटे दुकानदार प्रभावित हुए। बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डरों को जमीनें दी गई, गरीबों को उजाड़ा गया, नदियों की चौड़ाई घटाई गई, सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई गई और लोगों को मजबूर किया कि बिल्डर के द्वारा बनाई गई दुकानों को खरीदें, पूंजी लगाएं, कर्ज में डूबें, जिससे भयावह स्थिति उत्पन्न हुई। सिर्फ और सिर्फ बिल्डर और उनसे जुड़े कुछ लोगों को ही लाभ पहुंचा। आरोप नंबर 8, विधायक राजन शुक्ला पर आरोप यह भी लगा कि ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण विरोधी हैं। इसका उदाहरण लोग दे रहे हैं कि परशुराम आश्रम को उजड़वाने में विधायक राजन शुक्ला का हाथ रहा है। राजन शुक्ला ने एक तीर से दो निशाने लगातार साधे हैं। आरोप नंबर 9, विधायक राजेश शुक्ला पर सबसे बड़ा आरोप लगा कि रिवर सर्किट हाउस रेप कांड में कमरा अलॉट करने वाले अधिकारी और जिसके निर्देश पर कमरा अलॉट किया गया, उसे विधायक ने संरक्षण दिया और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जांच ठंडे बस्ते में चली गई। आरोप नंबर 10, विधायक राजेश शुक्ला पर आरोप है कि चुनाव में बेतहाशा धन खर्च कर चुनाव जीतते हैं और उसी खर्च की भरपाई के लिए शहर की पेश कीमती जमीनें बिल्डर को देकर लगातार अपनी झोली भरते हैं और अपनी भरपाई करते हैं। अगले चुनाव की तैयारी भी इन्हीं पैसों से होती है। कुल मिलाकर पैसे के दम पर दूसरी पार्टी के लोगों को मैनेज कर चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब जनता समझी तो नगर निगम के चुनाव में जवाब भी दे दिया है। कुल मिलाकर विधायक राजेश शुक्ला पर आरोप है कि विकास के नाम पर बिल्डरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फ्लाईओवर बनवाए गए, इको पार्क जो बह चुका था फिर उसी का निर्माण कराया गया, सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट पत्थर के काम कराए गए, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ी और युवा दूसरे जिले और दूसरे राज्यों में जाने के लिए लगातार मजबूर हुए। स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम कतई नहीं हुआ। इनके चहेते ठेकेदार पूरे विधानसभा की सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर रहे हैं। 20 वर्षों में ना तो मीठा पानी दिला पाए, ना ही मूलभूत सुविधाएं। आज भी विधानसभा क्षेत्र की 104 बस्तियां गंदी बस्तियों में गिनी जाती हैं। तो कहां है विधायक राजन शुक्ला का विकास, यह बड़ा सवाल है। इनके ऊपर लगने वाले आरोपों की दिखाते हैं झलकियां और फिर ले चलेंगे उसी जनता के पास जिसके पास चुनाव के समय राजन शुक्ला एक एक वोट के लिए गिड़गिड़ाया करते थे, कीमतें लगाई जाती थी। अब वही जनता किस तरह से बेबस है, लाचार है और आज उसका क्या कहना है, हम आपको सुनाएंगे भी, दिखाएंगे भी, फिर सुनाएंगे पक्ष और विपक्ष के साथ प्रशासन शासन को यहाँ की जनता कितने अंक देती है। जनता के परफॉर्मेंस पैरामीटर में विधानसभा क्षेत्र का शासन प्रशासन कितना खरा उतरता नजर आ रहा है, ये हम तय करेंगे। नींद नहीं आवे, परे रह जा, सब कुछ परे रह जा, परे नहीं रह जा, रात दिन खबर आता, दाना पानी भी था तो खबर नहीं। खूब पैसे आते रहे लेकिन लोग मरते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी रोडे बनती हैं, एक तरफ ऊंची एक तरफ नीची रोड, और बस्तियों में जाके सर्वे करिए, क्या वो चाहते हैं कि फ्लाईओवर होना चाहिए। किसान देने को तैयार नहीं है, किसानों से जबरदस्ती छीन के लिया जा रहा है। किसानों को लगोटी में लाके अपने राजसी शौक पूरे न करिए। चंद फ्लाईओवर बना देना ये विकास की श्रेणी में नहीं आता। केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है और जहां गरीबों की बस्तियां हैं वहां से जो है रिंग रोड निकालने का काम किया है। रिंग रोड फेज 2 जो है वो रीवा के विधायक श्री राजेन शुक्ला जी के लिए बनाई जा रही है। कहानी है, हमने कहा मैं तुमको 2 बार 3 बार वोट दे चुका हूँ, तुम किसी काम के नहीं हो, मैं तुमको वोट नहीं दूंगा। जो आदमी जनता के हित की बात करेगा, जनता के काम में आएगा,
मैं वोट उसका सपोर्ट करूंगा, उसको वोट मांगूंगा। अब फायदा राजेंद्र शुक्ला जी बिचारों के घर एक बार रेलवे में चले गए, नहर में जमीनें चली गई, बचा कुचा घर अब वो विस्थापित होने का कगार में। चौड़ी रोडों का क्या है अस्तित्व, आप सोचिए। कृषि योग्य जमीनें वैसे भी बर्बाद हो रही हैं। रोड निर्माता टोल वसूलने वाले को फायदा होगा और किसी को फायदा होने वाला नहीं है। ठेकेदारी ही उनका काम है, ठेकेदारी करते हैं, अपने काम देखते हैं और उसी में फोटो खिंचा के कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। ये प्रजातंत्र के साथ घोर अन्याय है। ठीक है, सबको पैसे चाहिए, सबको काम चाहिए, लेकिन किसी को उजाड़ के विकास न करिए। आइए आपको ले चलते हैं आप सीधा जनता के पास और सुनाते हैं जनता ने इन चार सालों में क्या अनुभव किया, साथ में शासन और प्रशासन को कितने अंक दिए। अनूप मिश्रा। मिश्रा जी, अभी रीवा विधानसभा के चार साल पूरे हो गए कार्यकाल और अपने रीवा विधायक के कार्यकाल लगभग चौथी बार पंचवर्षीय पूरी होने वाली। सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात की जाती है, क्या लगता है कि विधायक रहे, मंत्री रहे, कितना रोजगार की बात हुई, कितना रोजगार लोगों को मिल रहा है, क्या दिया यहाँ? कोई सर, कोई रोजगार नहीं है, कुछ अवेलेबल नहीं करा रहे। ये केवल अपनी सत्ता और अपना वो वर्चस्व बचाने की कोशिश की जा रही है। युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। यहाँ इतना बड़ा ओवरब्रिज जो है इसका टेंडर हुआ, ये संदरिया बना रहा मॉल उसका टेंडर हुआ। युवाओं के लिए रोजगार है कुछ? सुपरवाइजर में ही रखो, योग्यता अनुसार रखो ना, आप एहसान मत करो, योग्यता के अनुसार चुनो। अब मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, बाहर मुझे जॉब नहीं करनी, यहाँ कोई जॉब अवेलेबल नहीं है, ऑटो लेके ऑटो चलवा रहा हूँ। सिविल इंजीनियर हो के ऑटो? जी जी, क्या करूँ अब, क्योंकि घर के पास भी रहना है। बड़ा नगर बनाने जा रहे हैं नेता, तो कह रहे हैं बहुत महानगर बना रहे हैं, बहुत विकास हो रहा है, क्या होगा? यहाँ कोई इंडस्ट्रियल क्षेत्र नहीं है, कहीं इंडस्ट्रियल क्षेत्र तो आप बताइए, कुछ है यहाँ पे? अभी फिर से चुनाव होंगे, 9 महीने बाद, 10 महीने बाद फिर से वोट मांगेंगे, फिर से बात करिया जाएगी, बड़ा महानगर बनेगा, उद्योग आएगा, सामने दिखेगा। अभी इसी साल जब चुनाव होंगे तो दिख जाएगा ना सबका, जो किए हैं, जो कर रहे हैं, वो तो सब दिख जाना है। क्या लगता है नेताओं की कथनी करने में कितना अंतर होता है, किसके लिए काम करते हैं, किसका विकास करते हैं, अपना, जनता का, बेरोजगारों का? वो केवल अपना देखते हैं, अपने लोगों का देखते हैं, दुनिया से उन्हें मतलब नहीं है, न जनता से मतलब है, न लोगों से मतलब है, न लोगों के जज्बातों से मतलब है, न किसी रोजगार से मतलब है। क्या लगता है युवाओं को, कैसे लोगों को चुने अपन, कैसे लोग किसको और विश्वास करें कि आएगा तो रोजगार, सड़क, पानी, बिजली छोड़ के हमारे लिए लड़ेगा, अपने लिए नहीं, उद्योगपतियों के लिए नहीं, करोड़पतियों के लिए? तो जैसे दिल्ली में देख रहा हूँ, हरियाणा में देखा, अभी सरकार चेंज हुई, आम आदमी पार्टी आई, मुझे तो लगता है कि इनसे अच्छे वो हैं। हरियाणा में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया रख दिया, योगी जी को देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि किसी पार्टी में बुराई है, मैं कह रहा हूँ आप कर्म करिए ना, कार्य करिए, जिसलिए आपको रखा गया है। योगी जी को देखिए, इंडस्ट्रियल क्षेत्र लाए, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। सबसे बड़ी विडम्बना है कि एक सिविल इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर करके ऑटो चलाए, फिर सबके लिए शर्म की बात, सबके लिए शर्म की बात है, लेकिन जब रोजगार की बात करते हैं तो नेता मंचों से अलाउंस करते हैं कि मैं बहुत बड़ा रोजगार लाने वाला, क्या कहना चाहेंगे आप बेरोजगारों को और इस तरह से जो? ये केवल दिखावा है बस, ये दिखावा कर रहे हैं नेता, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए वोट बना रहे हैं, वोट बैंक की व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी ना युवाओं के लिए ना किसी के लिए रोजगार है, कुछ नहीं है, भ्रष्ट है पूरा रीवा। आपने रोजगार के लिए कोई अप्लाई किया, पैसे के लिए बात किया, क्या कहते हैं प्रशासन, क्या कहता है, कैसे मदद नहीं मिल पाई? यहाँ लोगों को एक चीज़ के लिए 10 राउंड इंटरव्यू होता है, छोटी चीज़ के लिए 10 राउंड, अगर आप लोकल हो तो। नियुक्ति किसकी होती है फिर? अरे जो उनकी पकड़ में होता है, जिनकी उनकी सिफारिश लगती है, उनकी नियुक्ति होती है, बाकी सब ऐसे घूम रहे हैं हमारी तरह। अब क्या लगता है किस तरह से चुनना चाहिए, कैसे आगे मैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मुझे तो यही लगता है कि सही उम्मीदवार हो जो युवाओं के बारे में सोचे, जनता के बारे में सोचे, विकास भी करे। मुझे विकास से प्रॉब्लम नहीं है। क्या फ्लाईओवर बन जाए, कॉम्प्लेक्स बन जाए, इसको विकास सब कुछ बन जाए, फ्लाईओवर बने, कॉम्प्लेक्स बने, हर एक चीज़ बने, स्मार्ट सिटी बने, बट हम लोगों के लिए भी कुछ किया जाए, रोजगार पहले पेट चले जाए तो क्या? बाहर से आप लोग ला के काम करा रहे हैं, यहाँ वालों को कोई जॉब नहीं, क्या मतलब है? जब वोट लेना होता है, वोट लेना होता तो अब क्या बताएं, जनता देख ही रही है, लगता कि पैर छू जाएंगे, सब आप आए हो, माँ बाप सब कुछ आप हो, और जहाँ चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद फिर आप कौन हो, हम कौन है, कौन जानता है? क्या नाम बताओ? राजन विश्वकर्मा। राजन जी, अभी चुनाव के 4 साल पूरे हुए, फिर से अभी 9-10 महीने बाद चुनाव आने वाला है, अपने जो रीवा विधायक है राजन शुक्ला जी, पिछले 4-5 वर्षों से हैं, इनके कार्यकाल में आप देखे होंगे शुरू से ही, कैसा कार्यकाल रहा, किसको फायदा हुआ, कितना जनता के बीच में रोजगार और जो वादा करते हैं, सड़क, पानी, बिजली, कितना खरा उतरे?
जी मंत्री जी खरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि इन लोगों ने वादा तो बहुत किया लेकिन फ़ायदा केवल बड़े लोगों को हुआ। बड़े बिल्डर जैसे समदड़िया बिल्डर रीवा में हैं, इनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हम उन लोग की छोटी छोटी दुकानें हैं, हम लोग को पीछे किया जा रहा है, और ओवरब्रिज की ज़रूरत नहीं थी वो बनाया जा रहा है। हम लोगों की दुकानें बंद है, सुबह से आगे आदमी बैठा रहता है, ना तो व्यापार है एक पैसे का, बस बैठना है। पहले दुकान का हो जाता है कि कहाँ क्या मिलना है, सामने मिलना है पीछे मिलना है, उसके बाद ओवरब्रिज का काम चालू करना चाहिए था हमारे हिसाब से। इन्होंने जो तो ओवरब्रिज का काम चालू करवा दिया जल्दीबाजी में, दुकानदारों का नहीं सोचा कि भाई उनके वर्कर हैं, दुकानदार खुद हैं, क्या होगा इनके। भाई सुबह से आदमी दुकान खोल के तो बैठ जाता है, ग्राहकों का आना जाना है नहीं, बस यही है। खुद व्यापारी है जी। रीवा में अगर विकास की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल बस स्टैंड सैकड़ों दुकानें, जैस्तम चौक में सैकड़ों दुकानें, समदड़िया गोल्ड की सैकड़ों दुकानें, मतलब खूब दुकानों का खूब विकास हुआ जी। तो ये इन दुकानों से बेरोजगारी दूर हुई, गरीबी दूर हुई, किसको लाभ हुआ? आखिर खाब तो खूब हुआ, दुकानें खूब बनी, फिर भी व्यापारी भूखे मरने की कगार पर पहुंच रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, छोटे छोटे व्यापारियों को ख़त्म किया जा रहा, ये किसके पीछे साजिश मानते हैं आप? जी दुकानें तो बनाई जा रही, लेकिन दुकान बना के बड़े लोगों को, अब 2 करोड़ रुपये 1.5 करोड़ रुपये की दुकान तो गरीब आदमी लेगा नहीं सर। छोटे छोटे दुकानदार हैं आप जो है, तो जो सरकारी रेट है 10 लाख 20 लाख रुपए में बेचेंगे तब तो गरीब आदमी ले पाएगा। महंगी महंगी दुकानें बना रहे हैं, दुकानें कितनी खाली पड़ी हुई हैं, दुकान बंद, शटर बंद है, फिर भी समदड़िया का काम चालू है, बन रही दुकानें। दुकानें बनाने से नहीं होता विकास, विकास होता है कि गरीबों को आप दुकान दो, सही रेट में उनको उपलब्ध कराओ दुकान, तब तो विकास होगा। आप जो है तो विकास पुरुष हैं, लेकिन विकास जो है बाहर वालों कर रहे हैं, यहाँ वाले हम लोग इतने सालों से आपको वोट दे रहे हैं ये सोच के कि हमारा भी भला होगा, सामने दुकानें मिलेंगी, हमारा रोजगार भी चलेगा सही, लेकिन हमको पीछे ले जाके पटक देंगे तो पीछे कौन आएगा? कुल मिलाकर जमीन पर कब्जा करो, आने वाले समय में दुकानें बढ़ेंगी, अभी जो छोटे व्यापारी हैं खत्म करो। तो छोटे व्यापारी सब खत्म ही हो रहे हैं सर, अब पीछे आ जाएंगे तो कौन आदमी आएगा, गाड़ी घुसेर के अंदर मार्केट में आएगा, सीधे आगे बढ़ जाएगा 2 कदम आगे उनका विकास, सामने जब दुकानें रहेंगी तो पीछे कोई आएगा ही नहीं। अभी जब चुनाव आएगा फिर से नेता आपके दरवाजे में आएंगे, वोट मांगेंगे, आपके साथ 24 घंटे खड़े रहने की बात करेंगे, ऐसे समय में अब क्या लगता है जनता को, युवा वर्ग को क्या सोच के वोट देना चाहिए, कैसे परखे लोगों को कि हमारे समय में संकट समय में खड़े? जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी तक विधायक जी ने किया है, रीवा की सारी ज़मीन बेच दिया है समदड़िया बिल्डर को, तो अब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। यदि अपने रीवा को बचाना है तो सत्ता परिवर्तित करना पड़ेगा, विधायक जी को पूर्व विधायक बनाना पड़ेगा, तभी रीवा की जमीन बच पाएगी। तिवारी जी 4 साल पूरे हो गए विधानसभा विधायक के जी। राजेंद्र शुक्ला जी के तो 15 साल से ज़्यादा हो गए, 20, 30, 34 पंचवर्षीय है। क्या लगता है कि जो वोट मांगे थे अपन वोट दिए उसमें कितना खरे उतरे, कितना लोगों के लिए हाजिर रहे, किसका विकास किया उसमें? अब क्या है कि राजेंद्र शुक्ला जी विधायक हैं रीवा के, और काम उन्होंने जो कुछ भी किया तो कुछ अच्छा किया, और कुछ जो है पब्लिक के बीच में जो है तो अच्छा काम नहीं है, क्योंकि हर दुकानदार हर पब्लिक परेशान है, क्योंकि अगर रोजी रोटी अगर गरीबों की चली जाएगी तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। हम लोग करोड़पति तो हैं नहीं कि हम लोगों के पास 2 नंबर का पैसा आ रहा है, हम लोग अपने माँ बाप और बच्चों का, बीवी का, गांव का, हर आदमी का जो है, नात रिश्तेदारों का जो है, तो हमारा इसी दुकान से पेट चलता है। जब हमारा पेट ही छिन जाएगा तो फिर हम लोग रोड में आ जाएंगे। सड़क पानी बिजली स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की बात की जाती है, रोजगार छीने गए, क्या मानते हैं कि बड़े दुकानदार जो बड़े कॉम्प्लेक्स बने, बड़ी बिल्डिंगें बनी, उससे किसको फ़ायदा हुआ? छोटे दुकानदारों को या बड़े बिजनेसमैनों को, करोड़पति लखपति? उसमें बिजनेसमैन को फ़ायदा है, गरीबों को फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो वो मॉल में जाएंगे नहीं, वो गरीबों की दुकान ढूंढेंगे कि हमको 500 रुपये का अगर सूट लेना है तो मैं उसी दुकान में जाऊंगा। पैसे वाले ही जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ गरीबों का जो है तो जाना उचित नहीं है, हमारा तो ये उद्देश्य। कुल मिलाकर छोटे दुकानों को ख़त्म करो, बड़े दुकानों में लोग मजबूरन जाएं और वहाँ लूटें, इस तरह से व्यवस्था की गई? हाँ, इसलिए कि पैसा नहीं है गरीबों के पास तो वो मॉल में कहाँ से जा पाएगा, वो तो यही सोचेगा कि हम छोटी सी दुकान में जाएं तो हमारा काम हो जाए, हम जो है तो आराम से कपड़ा खरीद लें, कोई भी चीज़ खरीदना है तो हम छोटी दुकान में जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्या मानते हैं किसका विकास हुआ है? विकास के नाम से ये है कि विकास हम लोगों को पत्थर देखने से और जो है तो ओवरब्रिज देखने से हम लोगों का काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों का पेट अगर चलेगा पहले रोटी और कपड़ा मकान, अगर ये चीज़ रहेगी तो हमको हर चीज़ संभव है, हर चीज़ अच्छा लगेगा।
लेकिन हमको रोड और गिट्टी देखने से, ओवरफ्लाई देखने से हम लोगों का काम नहीं चल पाएगा। यहाँ से विधायक थे राजेंद्र शुक्ला, बिल्कुल, कैसा उनका काम रहा, कैसा जनता के बीच में रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये कहना चाहेंगे, चुनावी माहौल में तो नेता सब जनता के हितों के ही बारे में बात करते हैं, बस हम आपके हैं, हम आपके हैं, लेकिन आज अब समय अब उनकी ज़रूरत का हुआ तो काफ़ी दूर चले गए हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। और आज जब सुख के जो दिन आए थे 2 दिन, वो भी अब जाने की कगार पे हैं, जहां आज हमारी दुकानों की कीमत 50 लाख 60 लाख हो गई, उसको नज़र में लगते ही नज़र लग गई है नेताओं की, और आज हम लोगों को कचरे में फेंका जा रहा है और भिक्षा मांगने का लगता है समय आने वाला है कुछ दिनों बाद। जब वोट मांगने आता है नेता भी आएंगे, फिर से 5 महीने 6 महीने बाद आएंगे, घर में साथ में खाना खाना, गरीबों के साथ रहना, हाथ पैर जोड़ना, अब जैसे समय आता है भूल जाते हैं, अब फिर से चुनाव आएगा, तो क्या ध्यान रखने लायक बातें हैं, हम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए ऐसे नेताओं के लिए? यही गौर करना चाहिए जनता को कि जब ये चुनाव मांग वोट के टाइम पे आते हैं तब क्या इनका रवैया रहता है, और उसके बाद जब ये सत्ता में काबिज हो जाते हैं तब उनका क्या रवैया रहता है, तानाशाही रवैया, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, और इन सब चीज़ों को देखते हुए वोट देने की अब आगे से ज़रूरत है, और एक अच्छे नेता को चुनना चाहिए, ना कि किसी पूंजीपति अमीर और किसी गरीबों का, जनता का दर्द, जनता का दर्द समझे। राजेंद्र शुक्ला ने दर्द नहीं समझा? नहीं समझा उन्होंने, सिर्फ पूंजीपतियों को समझा। मेरा नाम वेद है। वेद, चुनाव के 4 साल पूरे हो गए, अभी ये 5वां साल और 10 महीने में चुनाव आने वाला है, बिल्कुल, क्या लगता है कि किस तरह से नेताओं ने विकास किया, किसका विकास किया, जो चुनाव के समय वादा किया था कुछ पूरा किया? नहीं, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग की दुकानें इस कंडीशन में ला दिए हैं चौराहे में कि हम लोग ना कमा पा रहे हैं, ना उसका खर्चा निकाल पा रहे हैं, ना किसी को दे पा रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि शायद दुकानें ये टूट जाएँ, मगर हम लोग को दुकान तोड़ के देना चाहिए उनको, पहले व्यवस्थित करके तब उसके बाद अपना ये प्लाईवुड काम चालू करना चाहिए था। क्या लगता है कि चुनाव के समय वादा करते हैं लेकिन जब मौका आता है तो सबको कुचल दिया जाता, कुछ नहीं देखा जाता, कोई बेरोज़गार हो जाएगा, दुकान बच्चे पालना मुश्किल हो जाएगा, अपना लाभ देखा जा रहा है क्या? वो तो बात सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे विधायक जी ने बहुत गलत कर दिया हम लोग के साथ। पहले वो हम लोग मिलने गए, जब हम लोग मिलने गए थे उनके पास तो यही बोला गया था, आप परेशान ना होइए, आप लोग की बात सुनी जाएगी, आपकी बात रख के उसके बाद जो ये दुकानें बनाई जा रही हैं हम लोग के लिए वो दी जाएगी, उसके बाद आपको समझ के दी जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोग ने अनशन किया है, कई दिन का अनशन किया हमने, माननीय जी को बुलाया, समझे कि वो आएंगे तो हम लोग प्रॉब्लम समझेंगे, पर वो आए ही नहीं मेरे पास। उसके बाद अपन ने अनशन तोड़वा दिया गया, उसके बाद फिर अचानक से उन्होंने यहाँ पे फ्लाईओवर काम चालू करवा दिया, धीरे से हम लोग का सारी दुकानें बंद करा दी गई, हम लोग 77 दुकानदार हैं यहाँ पे, और इस कगार में आ चुके हैं कि आज भूखे मरने कगार पे हैं, जो किराएदार हैं बेचारे वो दुकान खाली कर रहे हैं आज। इस कंडीशन को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे साथ 1000 परिवार जुड़ा हुआ है, हम 177 दुकानदार हैं पर हमारे साथ 1000 परिवार जुड़ा हुआ है, 1000 पर मतलब 4000 लोग हमारे साथ हैं, उन्होंने ऐसा अन्याय हम लोग साथ किया है। अपने स्वार्थ के लिए, किसके स्वार्थ के लिए ये किया गया है, क्या मानते हैं? सीधी सी बात है, यहाँ पे शुक्ला जी का ही स्वार्थ है, क्योंकि हम लोग उनके विरोध किए थे, उसका विरोध हम लोग को दिखा दिया गया कि आप हमारे साथ जाओगे तो हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। समदड़िया का फायदा हुआ, बिल्डर का फायदा हुआ, फायदा देने के लिए आपको शोषण हुआ, बिल्कुल सही बात है। समदड़िया जी तो अपनी जगह है, पहले तो राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ पे हमारे साथ विधायक जी हैं, क्योंकि हमारे जो हमारे आदरणीय माननीय जो भी हैं सब विधायक जी हैं, उनके पास हमने 2 बार निवेदन करने गए, पर वो उनको समझ में नहीं आया कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग की दुकानें टूट जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की फ्रंट की दुकान है, हम लोग पीछे दुकान दे रहे हैं, जो टीना दिख रहा है आपको, यहाँ दुकानें बन रही हैं, अब यहाँ बताइए गली में कौन लेने आएगा हम लोग सामान? जो भी चीज़ें हैं व्यापार सामने रोड में होता है, ना कि गली के अंदर होता है। क्या नाम भाई साहब आपका? अरुण सिंह। 4 साल विधानसभा के पूरे हो गए जी, अभी 10 महीने बाद चुनाव आएगा, क्या लगता है कि अपने विधायक जो रीवा के विधायक हैं वो तो लगभग 20वां साल चालू है, 4थी पंचवर्षीय, कितना विकास किया, किसका लाभ हुआ, आपके बीच में जो वादा करके गए थे चुनाव के समय कुछ पूरा किया? अभी तक तो कुछ भी पूरा नहीं किए हैं, वो विकास के नाम पर लोगों को और गरीबों को सताने के सिवा कुछ भी नहीं किया गया उनके द्वारा। उनका सबसे पहला फंडा है कि एक काम को एक बार करो, 6 महीने बाद तोड़कर दोबारा उसका फंड लेके आओ, और धीरे धीरे उसको इतना निचोड़ते रहो कि शासन भी बर्बाद हो जाए और गरीब भी बर्बाद हो जाए। जैसे कि कोई भी काम करने के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में व्यापारियों के बीच में इतना बड़ा आतंक लगाया उन्होंने, फ्लाईओवर लेकर आए, दुकानों को हटाने का प्रक्रिया शुरू किया, और दुकानों को हटाने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को पहले सूचित नहीं किया गया कि संपूर्ण रूप से हम रोड ब्लॉक करेंगे,
और रोड को बिना सूचना के पहले ये कहा कि फोर व्हीलर टू व्हीलर और बसें इधर से नहीं निकलेंगी और बाकी दुकानें खुले रहेंगी। अगर पहले बताते तो हम लोग दुकानों को 10 दिन 15 दिन के लिए बंद भी कर सकते थे, चूँकि विकास का नाम तो है तो उसमें सहयोग करते हैं। अब हम लोग आते हैं, सुबह आते हैं, दिन भर में 100 रुपये 50 रुपये का बेचते हैं और लगभग इस मार्केट में 80% किराएदार हैं, जिनका रहना भी किराया से है, खाना भी किराया है, दुकान भी किराया है। इस तरह से हम लोगों की इतना तबाह किए कि मतलब चारों तरफ से परेशान हो रहे हैं। कुल मिलाकर विकास की अगर बात करें तो किसका विकास हुआ? जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग बना दी गई, आप व्यापारी हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि भाजपा व्यापारियों की पार्टी मानी जाती थी कि भाजपा के साथ है व्यापारी, तो जिस तरह से बड़े बड़े बिल्डिंग बनाकर उनको बड़े कीमती दुकानें कर दी गई तो छोटे व्यापारियों का शोषण हुआ, इसको विकास मानते हैं कारपोरेट वाले, बड़े व्यापारियों का या राजनीतिक से जुड़े हुए लोगों का? इसमें सबसे बड़ी बात है जो राजनीतिक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनका, और फिर दूसरा पूंजीपति व्यक्ति जो उनके बिल्डर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनका विकास हो रहा है। हम गरीबों को जैसे अभी हम 30,000 रुपये महीने का अगर खर्च मेंटेनेंस करते हैं तो हमको महीने में कम से कम 2,000-1,500 रुपये बचते हैं अपने बचाने के लिए खर्च लगाने के बाद। अगर अभी हम 30,000 रुपये खर्च करते हैं तो हम 5% और 10% में भी काम कर सकते हैं, जो गरीबों को भी हम दे सकते हैं। जहाँ उन्होंने पहले एक बात रखा था कि जो पीछे बिल्डिंगें बनेंगी, दुकानें बनेंगी कम से कम 2 करोड़ की होंगी, हालांकि उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि हम दुकानें पीछे बनाकर दुकानदारों को तो शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बगल में अगर जो भी दुकानदार लेना चाहता है तो 2 करोड़ की है। अगर 2 करोड़ की दुकान खरीदेंगे फिर उसमें 5 करोड़ की लागत से हम उसमें सामान भरेंगे, फिर 4 से 5 लाख रुपये उसमें हमारा महीने का खर्च आएगा, तो हम 1 रुपये का सामान 10 रुपये में कम से कम बेचना पड़ेगा। इस तरह से महंगाई के तौर बढ़ेगा और गरीबों का शोषण होगा, हनन होगा और लोग तबाह होंगे और मतलब बधुआ मजदूरी बनने के लिए वो मजबूर होंगे। वह जो बधुआ मजदूरी भी बनेंगे तो उन्हीं के लोगों की मजदूरी बनेंगे जो उनके पूंजीपति हैं, जो उनके बिल्डर्स हैं या कि उनके कोई बाहरी कंपनी आएगी। तो हम लोगों को 4,000-5,000 रुपये जो वो देना चाहेंगे उसमें अपना पेट भरने के लिए उनका बधुआ मजदूर मजबूर कर रहे हैं। कुल मिलाकर वो जो जनता जनार्दन कहते हैं चुनाव समय, जनता जनार्दन है उसको अब शोषण कर रहे हैं, उसका पूरा अब शोषण कर रहे हैं। चूँकि अगर अभी कुछ भी है, जैसे 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 चुनाव आएगा तो छोटी छोटी लालच देते जाएंगे, जैसे कहते हैं कि मीठा जहर धीरे धीरे असर करता, ठीक उसी प्रकार इनका जो मतलब विकास के नाम पर आता है तो मीठे जहर की तरह इनकी वक्तव्य होते हैं और गरीबों का शोषण के सिवा कुछ भी नहीं है। इस पंचवर्षीय के 4 साल पूरे हो गए, 10 महीने बाद चुनाव है, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी के 4थी पंचवर्षीय पूरी होने वाली है, इन जो कार्यकाल रहा तो रीवा की जनता, विधानसभा की जनता क्या पाई, कैसे विकास हुआ, किसका विकास हुआ, आप किस नज़रिए से देखते हैं? विकास तो रीवा में हुआ ही नहीं। जो विकास की अवधारणा है तो उसमें पूंजीपतियों का विकास और ख़ासतौर से एक बड़े पूंजीपति का विकास समदड़िया का और राजेंद्र शुक्ला जी का विकास, इतना अधिक विकास कि रीवा की जो रिंग रोड बनी है उसके चारों तरफ यदि पता किया जाए किन लोगों की ज़मीन है तो आपको पता चल जाएगा कि विकास किसका हुआ है। और रीवा में विकास का क्या पैमाना है, क्या ये फ्लाईओवर जिसके कारण नीचे की सड़क ख़त्म हो गई, कि सिरमौर चौराहा वाला फ्लाईओवर हो गया, बस स्टैंड वाला जो नया बस स्टैंड में फ्लाईओवर है, उधर बाण सागर वाली रोड पूरी ख़त्म हो गई, तो जहाँ जहाँ इनके पाँव जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटा ढार, तो इनके जहाँ जहाँ पाँव पड़े विकास नहीं हुआ, बंटा ढार हुआ। और जो हम जहाँ खड़े हैं, जय रीवा के इतिहास की सबसे बड़ी कॉलोनी रही है सिविल लाइन क्षेत्र, इसमें तमाम हजारों की संख्या में पेड़ हैं और पुराने ऐतिहासिक भवन हैं जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। इसमें कोई अधिकारी रह रहा कौन रह रहा ये मायने नहीं रखता है, लेकिन ये हमारा राजाओं महाराजाओं के समय का इतिहास है। हर शहर का अपना इतिहास होता है, यहाँ जैसे बैंकट भवन हो गया, स्वागत भवन हो गया, नगर निगम का भवन हो गया, इसके अलावा जो कॉलोनी है स्टेट टाइम की वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं, हटाई जा रही हैं और ये नंबर लग चुका है। और यहाँ पहले जो सौंदर्या का मार्केट बना सौंदर्या गोल्ड सिरमौर चौराहा में नरेंद्र नगर में, उसके खिलाफ़ हम लोगों ने 57 दिन आंदोलन चलाया, उसमें पर्यावरण भी मुद्दा था, तो एक भी पेड़ आज तक नहीं लगे। और उन्होंने दुकानें कुछ लोगों को दी, आंदोलन का दबाव था, हम लोगों ने कुछ नहीं मांगा था, हम लोगों का कहना था कि ये माल नहीं बनेगा, क्योंकि सिरमौर चौराहा क्षेत्र जो है आबादी के घनत्व से बहुत अधिक ज़्यादा वो है,
और यहाँ पर कोई नया कंस्ट्रक्शन उड्डन का नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर व्यवस्था बिगड़े, आप रीवा को और आगे ले जाइए। किसके लिए हुआ आखिर, किसके लिए? जो विकास हुआ, बड़ी दुकानें बनी, करोड़ों अरबों की संपत्ति बेशकीमती कह सकते हैं अपन, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, धरोहर थे। एक धरोहर को संरक्षित करने का भी काम होता है जनप्रतिनिधि, जिसको हमने चुना। लेकिन आज दुकानें बनी रही हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, कॉम्प्लेक्स बने, व्यापारी परेशान है, व्यापारी रीवा में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रीवा कुल 3.5 लाख आबादी वाला शहर है, जो बराबर हमारे राजेंद्र शुक्ला जी बोलते हैं कि हम दिल्ली बनाएंगे, बम्बई बनाएंगे, तो ये सब बकवास करते हैं, कहीं कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, आप तो रीवा को, रीवा का जो 7 जिले थे वो तक वापस नहीं ला पाए, और आपके समय ही रीवा से शहडोल, अनूपपुर, उमरिया चला गया, रीवा एक छोटा सा संभाग रह गया। विधायक राजेंद्र शुक्ला से बात करें कभी तो वो कहते हैं कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा, सड़कें बनेगी तब आएंगे, हवाई पट्टी बनेगी, हवाई जहाज शुरू होगी तब रोजगार चल, ऐसे इंतजार करते करते तो बेरोजगार भूखे मरने की कगार पर चला जाता है। ये तो सब हवाई पट्टी की बात रीवा में तो बहुत पहले से है, जैसे तो जबस्ती का एक ठो बहुत दिखाना है, कहीं कुछ नहीं है, वो तो जितना था उतना ही पर्याप्त था, और अभी हवाई दुर्घटना हो गई तो सवाल यह कि जी जबस्ती का एक झूठा विकास का लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, और रीवा जिले की कुल आबादी 25 लाख है, आप जो महानगर होता है उसकी, महानगर की शुरुआत 50 लाख से होती है, उससे नीचे महानगर नहीं बनता है। आपकी दृष्टि किसका विकास हुआ, कितना विकास किया, क्या कहेंगे आप? निजी रूप से राजेंद्र शुक्ला का हुआ, उनके चंगू मंगुओं का हुआ, और मुख्यमंत्री का हो रहा है, तमाम जो उनसे जुड़े राजनीतिक पार्टी के लोग हैं उनका विकास हो रहा है, और पिछले 20 साल में रीवा को जो एक कॉलेज नहीं दे पाए, एक शैक्षणिक क्षेत्र में जो कॉलेज दिया भी है, तो रमाकांत तिवारी जी के माध्यम से विटनरी कॉलेज, वो रीवा में वो ले जाते, चौथा ले जा सकते थे, उनका दिया कॉलेज है विटनरी कॉलेज। इसके अलावा राजेंद्र शुक्ला ने एक स्कूल तक नहीं बनवाई है, एक स्कूल नहीं बनी है रीवा शहर में। अपन सरकार बनती है, शासन और प्रशासन दोनों काम करता है, जिसकी सरकार होती है प्रशासन, उसी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है, प्रशासन का कितना रोल रहा, चाहे SP हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, इनकी भी एक अलग भूमिका होती है, इनको क्या देखते हैं ये अधिकारी लोग? तो पहले से इनके साथ जो संबंध रहे हैं, मधुर संबंध रहे हैं, उनके लाए हुए आदमी हैं, उसी हिसाब इनकी कोई भूमिका ही नहीं है। अब यह कहना चाहिए कि चाकर के चुकुर हैं, इनकी कोई भूमिका नहीं है। हमको तो लगता है कि जी इनको IAS IPS कैसे बन गए, ये कहाँ से आ गए, किस कोटे से आ गए, कहाँ से आ गए, हमको इनकी माने, क्योंकि इस ढंग का अधिकारियों को संविधान के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, इनको नियम कायदे बताना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो ट्रांसफर हो जाना चाहिए, लेकिन ये सब काम करने के लिए यहाँ बने हुए हैं, और ये काम पूरा उद्देश्य करके वो अपना वो करके जा कर रहे हैं। आज अपन बात करें अगर राजेंद्र शुक्ला की, प्रशासन की, 10 अंक में से कितना अंक आप देना चाहेंगे राजेंद्र शुक्ला को, विकास कर, सड़क, पानी, स्वास्थ्य? राजेंद्र शुक्ला को हम माइनस पर ले जाएंगे, हम 0 अंक भी नहीं देंगे, हम माइनस 10 देंगे, माइनस 20 देंगे, हम कोई किसी पैमाने पर उनको सही नहीं मानते हैं, इसलिए हमारे दंड 1-2 नंबर की तो बात ही नहीं है। हम ऐसा मौका मिले कि आपको आमने सामने बात करना हो, विकास की बात करें, हम चले, हम चाहते हैं, हम चैलेंज देते हैं कि राजेंद्र शुक्ला जी आमने सामने बात हो, और हम भी उनके सामने हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेंगे। हमको तो अच्छा लगेगा, कम से कम रीवा के लोग तो देखेंगे कि उन्होंने कितना लूटा है विकास के नाम पर, चारों तरफ इनकी संपत्ति बढ़ी है, इनके टाटा बिरला हैं, उन वो आज गिरी हालत में चले गए, नए लोग बढ़ गए, अडानी अंबानी आ गए, और यहाँ पर रीवा में जो है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनके पिताजी पहले क्या करते थे, और उन्होंने किस ढंग से ठेकेदारी में अपना अर्जुन सिंह तिवारी जी के माध्यम से लाभ उठाया, और इनके पास इतनी अथाह दौलत है कि हमको लगता है कि इनके ऊपर ED क्यों नहीं पड़ता, छापा क्यों नहीं पड़ता इनके ऊपर। कुल मिलाकर हमारी जो एक वोट की ताकत है उसका फायदा किसको मिला? जनता को तो मिला नहीं, व्यापारी को मिला नहीं, व्यापारी गिड़गिड़ा रहा है, आम रोजगार मिला नहीं, बेरोजगार। हम लोग एक वोट की ताकत को यदि समझते तो ये 4 बार जीतते नहीं, ये दुर्भाग्य रहा, एक बार पुष्पा सिंह जी को लोगों ने चुना, 3 बार इनको 4थी बार चुना। हम लोग ये सोचते थे कि रीवा की जनता बड़ी जागरूक है, इसने राजा को हराया, रानी को हराया, युवराज को हराया, लेकिन ये अंगद के पांव की तरह जमा हुआ है, जबकि कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य जय रीवा का है। पता नहीं लोग विकास के झुंझुने में क्यों फंसे हुए हैं, उनको निकलना होगा, और जो 4थी बार ये 5वीं बार जो चुनाव होगा, इसमें यदि राजेंद्र शुक्ला को सफाया नहीं करते हैं तो फिर समझिए आपका सफाया हो जाएगा।
रीवा में जो विधायक है, चार साल पूरे हो गए कार्यकाल, और उससे तो उनका कार्यकाल 20 वर्ष का लगभग हो गया। क्या लगता है कैसे उनका कार्यकाल रहा, किसको लाभ हुआ, किसको नुकसान हुआ, किस तरह से जनता के बीच चुनाव जीतने के बाद जुड़े रहे? सर, जनता के बीच में तो हमेशा यही हुआ कि जनता जब भी गई है तो पीछे के दरवाजे से निकले हैं। दूसरी चीज़ विकास, विकास किसको मानते हैं? सड़क पानी ये विकास नहीं, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। विकास होता है रोज़गार, रोज़गार कितना दिया इन्होंने, रोज़गार छीन रहे हैं, यही सिरमौर चौराहे की दुकानें तोड़ के रोज़गार छीन रहे हैं। विकास हुआ है समदड़िया का, विकास हुआ है राजेंद्र शुक्ला मंत्री जी का, और जो उनके ऊपर से जुड़े हुए लोग हैं उनका हुआ है विकास। पब्लिक का कोई भी विकास नहीं हुआ। रोड और पानी ये मूलभूत सुविधाएं, ये विकास नहीं है, विकास है रोज़गार है, लोगों की आय बढ़ाना, ये विकास कहलाता है। पर ये विकास जीरो है, और आज नहीं 20 साल से ही जीरो चल रहा है। चुनाव के समय नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, बड़े बड़े वादे, हम तो 24 घंटा आपके लिए खड़े हैं, तैयार हैं। जब संकट आता है आपके सामने या किसी प्रकार की बात आती है कि हमको सहयोग जरूरत है, तो क्या किस तरह से मिले अभी ये 4 साल 5 साल में? सर, हम लोग अभी गए थे, ज़्यादा तो मैं जाता नहीं हूँ, राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, अपना व्यापार करते हैं। अभी पिछले 1 महीने से हम लोग थोड़ा सा मिलना जुलना शुरू किया, जब ये दुकानों का टूटने का और ये सब चल रहा था बनने का, तो हम लोग गए थे, उन्होंने डायरेक्टली बोला हम पब्लिक है, हमने 20 साल उनको वोट दिया है, और हमेशा बोलते थे कि बीजेपी हमारी व्यापारियों के साथ की पार्टी है, हमेशा से, आप भी सुने होंगे, हर कोई सुना होगा। पर जब हम लोग गए तो डायरेक्टली उनका 2 टूक था, क्या 2 करोड़ की दुकान आपको दे देंगे, अरे 2 करोड़ की वैल्यू इसकी कौन बनाए? आकर की सौदेबाजी रही, दुकानदारी रही, अपना दुकान अपना फायदा, बिल्कुल बिल्कुल सर, फायदा इसमें से हुआ है तो सिर्फ राजेंद्र शुक्ला और संगड़िया का हुआ है, और किसी का नहीं। भाई साहब, रीवा विधायक और रीवा विधानसभा के 4 साल पूरे हो गए, क्या लगता है कि किस तरह का विकास हुआ? विधायक ने अपना विकास किया, क्षेत्र का विकास किया, क्या लालच दे के लोगों से वोट ली गई थी, अभी क्या लगता है कि आगे परिणाम होगा? देखिए, हमारी कहने का मतलब ये है कि इनकी 4 साल भर की बात ना करिए, ये तो 20 साल से विधायक बने हुए हैं, ये 19वां साल चल रहा है, बीत गया है, 20वां चल रहा है ना, चुनाव के 8 महीने बचे हैं। हमने, इन्होंने जो भी कार्य किया है, एक भी कार्य को मूर्त रूप नहीं समझ में आता कि इसका मकसद क्या है, विकास है कि विनाश है, हम ये नहीं आज तक समझ पाए। क्योंकि जितनी भी आप गली मोहल्ला कूच की रोडों को देखिए, उसको इन्होंने पहले सीवर लाइन की प्लानिंग इनकी नहीं तैयार थी, नल की प्लानिंग नहीं तैयार थी, और बिना प्लान के कोई कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो सरकार का पैसा नहीं है, देश प्रदेश का पैसा नहीं है, ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, इसको दुरुपयोग मत कीजिए। इसका दुरुपयोग करने से लोगों के मन में ग्लानि होती है, कष्ट उत्पन्न होता है, जिसका खामियाजा एक न एक दिन लोगों को भुगतना पड़ता है। और बताइए, बिना प्लान के सब पूरी रोडों को चुपरवा दिया, और सारे पेड़ों का माने उनकी समाधि दे दी गई, हम लोग तो पुष्पांजलि, उनकी आत्मा, जब किसी की आत्मा चली जाती तो पुष्पांजलि इस बात के लिए दी जाती कि शांति मिले, पर जिसका चिता ही जल गया, उन पेड़ों की चिता जल गई, तब उसको पुष्पांजलि दें या न दें, उससे क्या लेना देना है, ऐसा कुछ नहीं है। और इन्होंने अपना जो भी काम किया है लोगों के यहाँ, प्रदेश के कुल लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, प्रदेश के लोगों ने अपनी जेब भरने के अलावा न हमारे रीवा ज़िले में, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी लोग हो, ख़ास तौर पर ज़िले का तो हमारी, अब आप लोगों के सामने हैं, आप लोग हैं एक स्तंभ है हमारे बीच के, और आप स्तंभ के बारे में हर चीज़ हर जगह जाते रहते हैं, हर चीज़ों का अवलोकन करते हैं, और उसको मीडिया के सामने पेश करते हैं, और पेश करने के बाद फिर लगता है कि क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, ये यहाँ के विकास की बात है, इसको विकास तो हम नहीं कह सकते हैं। इसका विकास हुआ फिर? विकास हो गए, यहाँ के जो विधायक हैं, शासन है, प्रशासन है, जो मंत्री रहे होंगे उनका विकास हुआ, और किन का विकास, हमारा आपका तो कोई विकास नहीं है, हम लोगों को तो विनाश हुआ। जनता अपनी एक वोट देती है, सरकार बनती है, विधायक बनते हैं, इसके बाद प्रशासन होता है, शासन अपने हिसाब से प्रशासन की व्यवस्था करता है। क्या लगता है जिस तरह से चुनावों में भाजपा के विधायक जीते, भाजपा की सरकार बनी, अब जो प्रशासनिक व्यवस्था की गई, तो क्या वाकई प्रशासन जनता के साथ है कि विधायक या नेताओं की कहें कि उंगलियों में नाचता है, उसका क्या रोल है प्रशासन का? भाई, प्रशासन का ये रोल है कि जैसे विधायक सांसद आपके जो कुछ भी कहेंगे वो उनके एक विचार, उनके हाथ की कठपुतली है, आप देख लीजिए, जीता जागता उदाहरण ये हमारे यहाँ है, यहाँ यातायात का ये फुग्गा फुग्गी टागे चाउमिन आज फुल्की चाट और क्या कहते हैं पनीर पकौड़ा खाएं, और खाने के बाद फिर इसको देख लीजिए
आपके सामने है, इसके खंडहर में तब्दील हो गया। और हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी ये क्षेत्र जो है ये शांत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और शांत क्षेत्र में अशांति यदि उत्पन्न हो जाए तो आप उसको क्या कहेंगे। यहाँ लोगों के जब मन में कोई ग्लानी हो जाती थी, उनका पारा हाई हो जाता, जिसको बीपी कहते, बीपी बढ़ जाती थी, तो यहाँ घूम टहल के इन पेड़ पौधों से अपना मान्य दुख दर्द बयां होता था, क्योंकि ये पेड़ पौधे ही जीवन के अभिन्न अंग हैं। यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जीवन का चलना संभव कतई नहीं है। क्या लगता है कि जिस तरह से रीवा में मार्केट बनी, आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, क्या विकास के नाम पर कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, बड़ी दुकान बना दिया जाए तो क्या दुकान चल जाती है, रोजगार हो जाता है, बड़े बड़े मार्केट बना दिए, जितने कॉम्प्लेक्स बने उससे क्या जो आप मध्यम वर्गीय कह सकें कि व्यापारी है, युवा वर्ग है, इसको कुछ लाभ हुआ क्या? बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स बना दिए, आप बता दिए कि बहुत विकास हुआ, ये भी विकास के नाम, इसको विकास कहते हैं। हमने आपसे कहा भी था कि 100% लोग हैं, 100% में 95% तो आप जानते हैं निम्न तबके के लोग, मध्यम वर्गीय हैं, और कुछ लोगों की दोनों जून की रोटी नसीब नहीं होती है। 5% हैं तो 5% के लिए 2 करोड़ की दुकान किसके लेने की हैसियत है? यहाँ अपनी बीवी बच्चों का अपना जीवन यापन करने में लगे हैं कि 2 करोड़ की दुकान लेने की हैसियत है? इसको व्यापार कहते हैं, इसको विकास कहते हैं, इसको रोजगार देने का मुहैया आइए कि रोजगार देने के मुहैया के अंतर्गत आता है कि लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। अगर विकास के नाम पर विधायक को आपसे कहा जाए कि 10 में कितने अंक देंगे तो क्या मानते हैं, जनहितैषी विकास के कार्यों में कितने अंक देंगे? भाई विकास जनहितैषी तो आप सामने ही है, अब विकास के नाम पर किसी काम को एक बार करके, यहाँ 19 साल के अंतराल एक ईंटों को 19 बार रखा गया, उसको 19 बार वहाँ से हटाया गया, ये विकास की गति है, उसी का पैसा इन लोगों ने खाया है। विधायक इस पंचवर्षीय के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्या काम किए हैं? काम के नाम पर देखा जाए तो आज भी बेरोजगारी सर पर है। रीवा के एजुकेशन से संबंधित बच्चे पढ़कर अब पलायन कर रहे हैं, उनके लिए रोजी रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सड़क पानी रोजगार शिक्षा उद्योग की बात कहकर वोट मांगे थे, क्या पूरा किए? आज तक पूरा नहीं हो पाया, आज तक जो भी सड़कें हैं वो बनाई जा रही हैं, धूल से पूरा लबालब है, पूरे शहर का रीवा विधानसभा का जो वायुमंडल है वो धूल से सन गया है, यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं, और सड़कों के नाम पर सिर्फ दिखावा दिया जा रहा है, काम 0% पर खड़ा है। कोई ऐसा सड़क बताइए जहाँ धूल से लबालब है? यहाँ से अभी वर्तमान में ले लें, नया ताज़ा सिरमौर चौराहा से आपके बोदा रोड में क्या मानते नहीं धूल भरा है। क्या मानते नेता चुनाव के समय में जो वादा करते हैं पूरा करते हैं या अपनी तिजोरी भरते हैं? सिर्फ वो लोग आम मतदाता को ठगते हैं, काम कुछ भी नहीं करते, और समाज में जहर पैदा करते हैं, भाई भतीजा वाद चलाते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं, और यहाँ के लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाते हैं, बाकी ना हिंदू ना मुसलमान, बेरोजगारों को कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। कोई ऐसे विधायक का नाम बताइए जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों के बीच में दरार पैदा करते हैं? यहाँ के लगभग सभी विधायक, सेमरिया विधायक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मारपीट करते हैं, यहाँ पे राजेंद्र शुक्ला जी विधायक हैं लेकिन सिर्फ हिंदू मजहब के लोगों के धार्मिक जीर्णोद्धार करते हैं उनके मंदिरों का, लेकिन अन्य धर्मों का, बौद्धिस्ट का, सिखों का, मुसलमानों के धार्मिक स्थल में आज तक उन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया। जो जिस क्षेत्र के विधायक नेता होते हैं अपने अनुसार अधिकारियों को पदस्थ करवाते हैं, क्या रीवा विधानसभा में जो अधिकारी है जैसे कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक, जनता की बात सुनते हैं या नेताओं के इशारे पर काम करते हैं? नेताओं के गुलाम है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, सब रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के गुलाम, कुछ काम नहीं करते, कोई काम नहीं, सिर्फ राष्ट्र प्रशासनिक आतंकवादी है ये, प्रशासन के तौर पर जिसका मकान चाहते हैं धराशायी कर देते हैं, गिरा देते हैं, और कहते हैं कि विकास के नाम पर सड़कें बनाई जाएंगी, तो वो तो बोलते हैं कि मैं मकान उन्हीं का गिरा रहा हूँ जो अवैध मकान सब है। आज अवैध है लेकिन रीवा महाराजा ने जिनको आबादी क्षेत्र के नाम पर जब भारत में विंध्य प्रदेश या बांधवगढ़ को विलय किया था तो इस शर्त पर कि जो जहाँ बसा है उसको हटाया नहीं जाएगा, 100 साल बसे हुए लोगों को उजाड़ा जा रहा है, ये प्रशासनिक आतंकवाद है। 4-5 वर्षीय से विधायक राजेंद्र शुक्ला हैं, आपकी नज़र में क्या विकास किए? सिर्फ उन्होंने अपनी दौलत बनाई है रीवा शहर के चारों तरफ, रीवा विधानसभा के चारों तरफ उनके नाम की, उनके परिवार की सिर्फ जमीनें खरीदी गई हैं। कौन कौन से जमीनें खरीदी गई हैं?
अजगरहा में उनका फार्म हाउस है, रउसर में उनकी जमीनें हैं और भी कई जमीनें। हाँ, कोष्टा में भी है उनकी जमीनें। यहाँ वक्फ की जमीन पर सबसे बड़े उन्होंने घोटाला किया है, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की संपत्ति अमैया में, जिस पर उन्होंने अपना मकान जो उनके पूर्वज का बना था अपने नाम नामांतरण करा लिया, जमीन वक्फ की है, जबरदस्ती करवा लिए प्रशासन को दबाव में लेकर। क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देने से महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी कम होती है? नहीं, महंगाई तब कम होगी जब ईमानदारी से सरकारें काम करें। अगर आपसे कहा जाए कि 10 नंबर में कितने नंबर विधायक को देंगे तो आप कितना देंगे? 10 नंबर में ये कहा जाए कि 10 नंबर ही है, 10 नंबर ही है, एक नंबर ही नहीं है, वो गलत हैं। आज जनता इस बार उनको 2023 में सबक सिखा देगी। विधायक के इस पंचवर्षीय के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्या काम किया है? काम तो बहुत, रोड का काम किए हैं, नाली का काम किए हैं, और का नाम से लोगों का जो आधार कार्ड वगैरह, ये दुनियादारी, राशन कार्ड, ये सब काम किए हैं। सड़क, पानी, रोजगार, शिक्षा, उद्योग की बात कहकर वोट मांगा था, क्या पूरा किया है उसे? हाँ, वो तो अपने हिसाब से पूरा कर दिए हैं। आपके हिसाब से क्या है पूरा हुआ? हमारे हिसाब से भी पूरा है, पूरी रोडें सब कंप्लीट हैं। क्या मानते हैं नेता चुनाव के समय जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं या फिर सिर्फ अपनी तिजोरी भरते हैं? नहीं, अपने तो ये राजेंद्र शुक्ला देश के विकास के लिए पूरा काम करते हैं, बाकी दूसरों नेता की बात नहीं करते हम। जो जिस क्षेत्र का विधायक नेता होता है अपने अनुसार अधिकारियों को पदस्थ करवाता है, क्या रीवा विधानसभा में जो अधिकारी हैं जैसे कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक जनता की बात सुनते हैं या नेताओं के इशारों पर काम करते हैं? ये तो इलैया राज टी थे तो वो जनता के इशारे पर काम करते थे, लेकिन अब इनसे मनोज पुष्प से हम कोई संपर्क नहीं हुआ, इसलिए इनकी बात हम नहीं कर सकते। 4 पंचवर्षीय से विधायक राजेंद्र शुक्ला हैं, आपकी नज़र में क्या विकास हुआ है? अपने शहर का बहुत सारा विकास हुआ है, गार्डन बना है, दुनियादारी ये सब बने हैं, रोड बड़ी बढ़िया बन गई है। क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देने से महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी कम होती है? नहीं, बेरोजगारी और महंगाई तो बढ़ गई है। विधायक राजेंद्र शुक्ला जी को 10 में से 8 नंबर दे देंगे। जरूरत पड़ने पर अधिकारी कर्मचारी मदद करते हैं या फिर सिफारिश का सहारा लेना पड़ता है आपको? जरूरत पड़ने पर अधिकारी कर्मचारी ये सब, आज की तो हम बता दें आपको कि कोई भी अधिकारी हो उसका पेट इतना खाली है कि कितना भी दे दिया जाए उसका पेट नहीं भर सकता। वोट लेने के बाद विधायक जी आए, कितने बार आए हैं यहाँ? विधायक जी तो अक्सर आते रहते हैं हमारे इस वार्ड में, करीब अभी 2 आदमी ख़त्म हो गए थे, उनके तेरही में भी आए थे और आते ही रहते, महीने में 1-2 बार हमारे यहाँ आते रहते। पंचवर्षीय के 4 वर्ष पूरे हो गए, क्या काम किया है? जो पुराने काम थे वही किए हैं, बाकी वो विकास चल ही रहा है 25 साल से जैसे चल रहा है, उखाड़ो खोद सरकार। जैसे पुराने काम में कौन सा काम किए हैं? रोड बनवाते हैं, उसी को खड़वाते हैं। और सड़क, पानी, रोजगार, शिक्षा, उद्योग की बात कहकर वोट मांगता था, क्या पूरा किया? न कभी पूरा हुआ है न कभी होगा, ये सब जुल्मेबाज है। क्या मानते हैं नेता चुनाव के समय में जो वादा करते हैं पूरा करते हैं या अपनी तिजोरी भरते हैं? तिजोरी भरते हैं, पूरा नहीं करते हैं। पूरा नहीं करते। जैसे कौन कौन सा वादा नहीं पूरा किया है, पूरा किए हैं ये बताइए? कोई नहीं किया, न रोजगार दिया, न अच्छी शिक्षा। और जो जिस क्षेत्र के विधायक नेता होते हैं अपने अनुसार अधिकारियों के पदस्थ करवाते हैं, क्या रीवा विधानसभा में जो अधिकारी हैं जैसे कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक जनता की बात सुनते हैं या नेताओं के इशारे पर काम करते हैं? नेताओं के इशारे पर काम किया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हैं कि नेताओं के इशारे पर कौन सा काम हुआ है? नेताओं के इशारे पर सब काम होते हैं, तो यहाँ खनन वगैरह हो रही है उसके न कोई रोक टोक है, न नशे के कारोबार में रोक टोक है, जब पुलिस पकड़ती है ले देके अपना काम ख़त्म कर देती है, बस इनका जो सिलसिला है माल पाने तक है। 4 पंचवर्षीय से विधायक राजेंद्र शुक्ला हैं, आपकी नज़र में क्या विकास हुआ है? सौंदर्य का विकास हुआ है खुद उनका। क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देने से महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी कम होती है? और बढ़ जाती है। अगर आपसे कहे कि 10 नंबर में से कितने नंबर विधायक को देंगे तो आप कितना देंगे? 4 नंबर। जरूरत पड़ने पर अधिकारी कर्मचारी मदद करते हैं या सिफारिश करवाना पड़ता है? अगर किसी नेता से पहुँच है तो आपका काम होगा, नहीं तो आप घूमते रह जाओगे, घूमते घूमते बीमार हो जाओगे। वोट लेने के बाद विधायक कितनी बार आपसे मिलने आते हैं?
चेहरा नहीं दिखाते मोहल्ले में। जहाँ काम हुआ, जहाँ उनको मिला धन, जहाँ उनका मतलब है वहाँ गए, बाकी जनता मर रही है उससे कोई मतलब नहीं है। कि इस पंचवर्षीय के चार वर्ष पूरे हो गए हैं, क्या काम किया है उन्होंने? अब काम क्या किया है क्या नहीं किया ये तो जनता को खुद ही देख रही है, शासन खुद ही देख रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं। सड़क पानी रोजगार शिक्षा उद्योग की बात कहकर वोट मांगा था, क्या उन्होंने ये काम किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या नाम है पानी मांगा कि बिजली मांगी, भगवान की दया से तो शासन ही का सब चल रहा है। चार वर्ष पूरे हो गए, पांचवा वर्ष चल रहा है, काम जनता की अपेक्षाकृत नहीं हुआ, बहुत कम काम हुआ है, मतलब काम ना के बराबर हुआ है। हम ग्राम पंचायत देवरा फिरेंदे को बिलोंग करते हैं, गोतला विधानसभा से, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के विधानसभा क्षेत्र से। हमारे यहाँ पानी की टंकी बन के 100 पीस खड़ी है, उसमें पानी नहीं दिया जा रहा जनता को नल जल के थ्रू, जिसमें हम लोग कल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के खिलाफ पानी की टंकी के पास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने जा रहे हैं। सड़क पानी रोजगार शिक्षा उद्योग की बात कहकर वोट मांगे थे, क्या उन्होंने इस काम को पूरा किया था? सड़क पानी रोजगार की नहीं, सड़क तो कुछ बनी है लेकिन पानी की टूटी नहीं है। और उद्योग शिक्षा? उद्योग और शिक्षा तो एकदम बद से बदतर हालात में जा रहे हैं, जोड़ी भरने का काम करते हैं, नेता कुछ भी नहीं करते, नेता की संपत्ति में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जाती है। पूरे 5 वर्षों में उनकी आय 200, 300, 500 गुना उनकी वृद्धि होती है, जबकि जनता की आय में वृद्धि दो गुना भी नहीं हो पा रहा है। तो राजेंद्र शुक्ला ने रीवा का विकास किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रीवा बहुत विकास किया है, 4 सालों में फ्लाई ओवर जैसे उगाते रीवा को और सुंदरिया माल वगैरह ये सब बाहर जाने में मुझे रीवा को बताने के लिए एक आइडेंटिटी बनती है कि हमारे रीवा में ये है वो है, ये सब 4-6 वर्षों में हो गया है, उनका विकास अच्छा है। तो साहब ये जनता है जो प्रतिनिधि चुनती है जनसेवा के लिए, आज वही जनता चुने हैं जनप्रतिनिधि के लिए, किस तरह के शब्दों का उपयोग कर रही है ये आप सुन चुके हैं, किस तरह से जनता को छला गया और छला जाता रहेगा। आइए अब आपको ले चलते हैं जो 2018 के चुनाव में असफल हुए थे, वादे तो किए थे लेकिन जनता इनके वादों पर भरोसा न करते हुए राजेंद्र शुक्ला पर विश्वास कर ली थी, इन 4 वर्षों में कौन कितनी जिम्मेदारी उठाया है उसे भी जानते हैं। यह सवाल तो रीवा की जनता और रीवा विधायक से ही अब प्रश्न पूछने लायक है कि शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य के लिए 15 वर्षों में भाजपा और भाजपा के विधायक ने क्या काम किया, और इसका सबसे अच्छा उत्तर हम विपक्ष में हैं जब हम अपनी बात रखते हैं, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी न लगती हो कि कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन यह सवाल आप जनता से जब पूछेंगे तो जनता स्पष्ट रूप से कह देगी जिस तरह हम कह रहे हैं कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में भारतीय जनता पार्टी का विधायक विकास पुरुष फेल हुए हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, हम बार बार एक बार आपसे पहले भी कह चुके हैं कि नागेंद्र सिंह जी ने खुद राजेंद्र शुक्ला का मूल्यांकन कर दिया था कि सौर ऊर्जा में रोजगार नहीं मिला लोगों को, सौर ऊर्जा यहीं की है। डभौरा पे पावर प्लांट आना था अभिजीत ग्रुप का, वीडियोकॉन का, तो वीडियोकॉन का धुत बंद हो गया था, आज उसकी जमानत हो गई, और वो 1000-2000 एकड़ जमीन जो वीडियोकॉन ने डभौरा की लेकर बैंक में रखी और फर्जी लोन लिया, तो उन 2000 एकड़ जमीन के जो हमारे किसान थे 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ के, वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार विकास पुरोहित है, क्योंकि वो बोलते थे कि डभौरा में पावर प्लांट आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा कि पावर प्लांट आने वाला है, अगर किसी ने कहा तो राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा, विकास पुरोहित ने कहा। पेयजल को लेकर आप देख रहे हैं कि पिछले 15 वर्षों में शहर के अंदर नालियाँ खुद गई, सड़कें खुद गई, गड्ढों पे गड्ढे हो गए,
और एक बार नहीं चार चार बार गड्ढे हो गए, लेकिन अभी भी पेयजल की व्यवस्था नहीं सुधरी। आम आदमी के घरों में पानी गंदा ही आ रहा है और उसके पीछे कौन है? MIC उनकी थी, स्पीकर उनका था, महापौर उनका था, पूरे 20 साल महापौर उनका था। ममता गुप्ता जी हों, शिवेंद्र पटेल हों, वीरेंद्र गुप्ता जी हों, राजेंद्र ताम्रकार जी हों, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह सवाल सबसे ज़रूरी है और जनता से ज़रूरी है। यह सवाल सीधा सीधा है और जनता से भी पूछेंगे तो जनता खुले मन के साथ बड़ी सहजता से यह कह देगी कि विकास के नाम पे सिर्फ अपना विकास, अपने लोगों के विकास तक भारतीय जनता पार्टी के नेता सीमित रह गए और विकास पुरुष और विधायक सीमित रह गए। क्या हो रहा है मऊगंज के अंदर? किसका विकास हो रहा है? मनगवा के अंदर किसका विकास हो रहा है? चार बार से मनगवा के विधायक हैं पंचूलाल प्रजापति जी, जाके मनगवा में देखिए क्या हो गया, किसका विकास हो गया, क्यों नहीं हुआ मनगवा के लोगों का विकास। इसी तरह त्योथर जाइए, श्याम लाल द्विवेदी जी हों चाहे रमाकांत तिवारी जी हों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, लगातार रहे हैं, क्या स्थितियाँ हैं सामने, आपके सामने होंगी। तो मेरा तो लगातार कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, ठेका लिया है, ठेकेदारी की है और अपने चंद लोगों को जो उनके आगे पीछे घूमते हैं उनका विकास किया है और अपने परिवार के लोगों का विकास किया। तो सुना आपने, ये विपक्ष के आरोप और महापौर चुनाव में भाजपा की हार इन आरोपों पर मुहर लगाती है। क्या आप जनता समझ चुकी है या विधायक के कार्यों पर करेगी विश्वास, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आइए अब आपको सुनाते हैं विधायक राजेश शुक्ला की वो अपनी किन किन उपलब्धियों को बताकर जनता की वोट लेते रहे हैं और लगातार लेते रहेंगे। रीवा नगर के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की चर्चा की जाए तो एक अमूल चूल परिवर्तन जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने रीवा में किया है। हमने हर क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है जिसकी कल्पना रीवा नगर वासियों की भी नहीं थी, उससे ज़्यादा भाजपा सरकार ने और हमारे स्थानीय विधायक जी ने काम किया है। सड़क अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बन गई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा रीवा वासियों के साथ साथ पूरे बिंध क्षेत्र और यहां तक कि प्रयागराज और शंकरगढ़ चित्रकूट के लोग यहां दवा कराने आ रहे हैं, इसका लाभ मिला है। पानी के क्षेत्र में अमृत योजना के तहत पुरानी सभी जर्जर हो चुकी कांग्रेस शासन की व्यवस्था को चेंज करके करीब 14 से 15 नई टंकियों का निर्माण, 3 नए फिल्टर प्लांट बनाए गए हैं और हर घर में शुद्ध मीठा पानी पहुंचाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। बिजली के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, अनेक सब स्टेशन स्थापित कर कम वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे रीवा नगर वासियों के लिए बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में रीवा हब बन चुका है, ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जो रीवा के अंदर ना हो। वेटरनरी पॉलिटेक्निक से लेकर हर प्रकार की शिक्षा को बेहतर बनाने का काम भाजपा सरकार ने किया है और प्राइवेट संस्थानों को भी महत्व दिया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संस्थान रीवा में आ रहे हैं, एक नई विश्वविद्यालय की स्थापना होने वाली है रीवा में, प्राइवेट संस्थान लगा रहे हैं। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। आम नागरिकों को सुविधा देने के दृष्टि से रीवा नगर के अंदर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, नए पार्क विकसित किए जा रहे हैं, आम जनों के स्वास्थ्य हेल्थ और उनकी खुशहाली के लिए ऐसे सेंटर बनाए जा रहे हैं जहां नगर वासियों के लिए सुकून भरा समय और सुकून भरा जीवन प्राप्त हो सकेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रीवा आज चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। रीवा नगर के अंदर हर आम व्यक्ति की सुविधा को विकसित करने का काम हमारे स्थानीय विधायक जी ने किया है और बहुत शिद्दत से किया है। सेवा धर्मी विधायक बनकर उन्होंने जन जन के अरमान को पूरा करने का काम कर रहे हैं और रीवा की जनता इस बात के लिए गर्वानुभूत भी महसूस करती है कि हमारे विधायक जी ने ईमानदारी से जनता की सेवा की और रीवा का मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने का काम किया। तो देखा आपने, नेता जिस जनता को चुनाव के समय जनादन कहते हैं वही जनता वोट देने के बाद कैसे बेबस हो जाती है। ये था रीवा विधानसभा क्षेत्र के शासन और प्रशासन के 4 सालों का लेखा जोखा जिसमें जनता की नजरों में दोनों ही फेल हो गए हैं। जहां सत्ताधारियों पर गंभीर आरोप लगे वहीं प्रशासन पर भी आंख बंद कर जनता के लिए नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों के लिए
सेवा करने का आरोप लगा है, जिन्हें जनता के पैरामीटर में 10 में से माइनस मार्किंग तक मिली, जो विराट चंद्रकोर की नजर में शासन और प्रशासन दोनों के लिए सोचने की बात है। शासन प्रशासन जनता की सुरक्षा और जनता के हित के लिए है, न कि सत्ताधारियों की उंगली की कठपुतली बनने के लिए। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ। हम आगे आपको फिर ले चलेंगे किसी अन्य विधानसभा के नेता नगरी में, जहां दिखाएंगे जनता का क्या है हल और जनता के परफॉर्मेंस पैरामीटर में नापेंगे शासन और प्रशासन को। हमें फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।